तो नमस्कार किसान भाइयों, टेक्निकल खेती में फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते ही हैं, ये देखिए हमारे इसमें जो सूट बोर आ रहा था, ये रूट जो बोलते हैं, हमने इसमें कॉपर और एक कीटनाशक की स्प्रे करी थी, जो कॉपर के साथ करते नहीं हैं, वो मैंने नीचे पहले ही डाल दिया था। हमने इसमें वर्टिको डाला है, तो ये देखिए आप, जो रूट है बिल्कुल इसने खा लिया था ये पौधा बिल्कुल, पर फिर भी अब ये चल चुका है। अब देखिए फ़र्क तो पड़ा है कि जो गोब है हमारी वो इसने खा ली थी, मतलब गल गई थी एक तरीके से। अब देख रहे हैं, मैं और भी गन्ने आपको दिखाता हूँ। इसमें यहाँ दो तीन गन्ने थे एक ही साइड में, पर फिर भी अभी किसी गन्ने में हमारे में कोई भी रोग इस गन्ने के अंदर नहीं है। ना तो हमने कोई कोरोजन करी है इसमें, ना कोई कुछ करा है इसमें, हमने खाली वर्टा को डाला है इसमें। यहाँ भी कोरोजन की ड्रिंचिंग बहुत ज़रूरी होती है बोलते हैं ऐसा। और हमने इसमें कैलबोर डाला है, पत्ते की चौड़ाई देख भी सकते हैं, मैं आपको पत्ते की चौड़ाई दिखा देता हूँ हाथ धर के। हमारे देखिए आप, पत्ते की जो चौड़ाई है वो कम से कम 2 से 2.5 इंच के समथिंग है हमारे पत्ते की चौड़ाई गन्ने की इसकी। और जो पत्ता अब निकलने वाला है, क्योंकि हमने DAP अभी दी थी इसको 10 से बरसात से पहले, ये 27-28 तारीख के समथिंग इसको DAP दी थी हमने, तो पत्ते की जो चौड़ाई है वो आगे आने वाले टाइम में काफ़ी अच्छी निकलेगी। आप देख भी रहे हैं, देखिए मेरी सारी उंगलियों को ढक रहा है पत्ता। अब देखते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, ये कम से कम 3 से 4 उंगलियों को, देखिए देखिए ये 3 उंगलियों को बिल्कुल ढक रहा है पत्ता, तो चौथी उंगली भी हमारी आ जाएगी, ऐसा नहीं है। इसमें हम एक अभी होमिक भी डाला है हमने यूरिया के साथ में, इसमें जो रूट डेवलपमेंट का काम करता है, तो रूट डेवलपमेंट अगर हो जाता है इसमें, ये देखिए इसमें भी रोग बना था, ये देखिए आप देख रहे हैं इसमें, पर ये हट चुका है। इसी को जैसे गुंजला बन जाता है, पोका बोइंग बोलते हैं। तो किसान भाई बरसात से पहले इसी स्प्रे को अवश्य कर दें। तो जो भी पौधे हैं वो हमारे सभी चल चुके हैं, ये देखिए इसमें भी आया था, आप देख रहे हैं बिल्कुल गुल्लट सी बनी थी इसमें। और हमने जब से इसमें कोर्निका की स्प्रे करी है, पौधा बिल्कुल सही हो गया है हमारा। ये आपकी जो डोज होती है वो 250 ग्राम, ये पाउडर फॉर्म में आता है, 250 ग्राम प्रति एकड़ की इसकी डोज होती है जो आप हम स्प्रे करते हैं। तो धन्यवाद किसान भाइयों, जय हिंद जय भारत। कोई भी आपका सवाल है तो आप कमेंट कर सकते हैं कि किस तरीके से आप गन्ना अच्छा निकाल सकते हैं, क्योंकि जब आप गन्ना गैप से बोते हैं तो उसमें खरपतवार नियंत्रण का भी काफ़ी ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि जैसे देखिए आप खरपतवार काफ़ी ज़्यादा बनता है उसमें। और एक चीज़ का विशेष ध्यान रखें, अगर आपके पास छोटा ट्रैक्टर या रूटर है तो उससे आप अच्छी खासी खेती कर सकते हैं, तो उससे फ़ायदा ये होगा कि आपका खरपतवार नहीं होगा। ये अगर खरपतवार नहीं होगा तो जो भी आप डोज देते हैं वो आपके गन्ने को ही लगती है। हालांकि हम तो बीच में डालते हैं, यहाँ पे जो कि हमने साइड में नहीं डालते हैं, यहाँ पे डालते हैं बीच में जो नालियाँ बनी हुई हैं साइड की, ये हम इसमें डालते हैं जो भी खुराक डालते हैं, क्योंकि हम साइड में नहीं देते हैं दोनों तरफ, तो उससे जो रूट हमारे अंदर की साइड ही ज़्यादा डेवलप होती हैं और वो भोजन को अंदर से ही उठा लेती हैं। और काफ़ी मतलब ये देखिए, अब इसमें कम से कम 1-1 फुट का गन्ना हमारे इसमें बन चुका है। ये अभी हमारी 2 महीने और 20 दिन की हुई है, ये 15 आज डेट है आपका 7 तारीख है आपकी 7 जुलाई, ये हमारी 15 या 8 दिन बाद आपकी 3 महीने की होगी। हमारा जो गन्ना है 8 दिन बाद 3 महीने का होगा, और हमको इसको आपको दिखाते भी रहेंगे कि भी 8 दिन बाद इसका क्या रिजल्ट आता है। और तो हमको ये उम्मीद है कि ये कम से कम 1 महीने बाद, जैसे बंधाई बोलते हैं, तो 1 महीने बाद ये कम से कम बन जानी चाहिए। बंधने के कगार पे मतलब 4 से 5 फुट का गन्ना हो जाना चाहिए इसमें। तो जब अगर 4 से 5 फुट का गन्ना हो जाएगा तो ये आपका यहाँ आ जाएगा गन्ना, 4 से 5 फुट का अगर गन्ना आ जाता है तो यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ पे आप बंधाई भी करवा सकते हो अगर 4 से 5 फुट का गन्ना आ जाता है, क्योंकि हमारे पास ट्रैक्टर नहीं है तो इसीलिए हमको तो बंधवाना ही पड़ेगा, क्योंकि नहीं गिर जाएगा गन्ना, अगर ये गिर जाएगा तो फिर प्रोडक्शन कम हो जाएगी। देखिए ट्रिलिंग कितनी अच्छी निकल रही है अभी, आप देख सकते हैं, क्योंकि ये खुराक का ही होता है जो हम
डोज देते हैं उसी का एक रीज़न होता है कि भाई हमारा कब ये गन्ना क्या मांग रहा है। तो माइक्रोन्यूट्रेंट की आवश्यकता बहुत ज़्यादा होती है। माइक्रोन्यूट्रेंट आप अगर नहीं दोगे तो उससे पैदावार पर बहुत ही असर पड़ता है। आपका गन्ना ना तो रंग ले पाता है ना ही वजन दे पाता है उस तरीके का, क्योंकि वजन अगर कम देगा तो भले ही गन्ना यूरिया घेर कर आप बढ़ा सकते हैं, हमसे लंबा कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ लंबा ज़्यादा नहीं कर सकते, हम मना नहीं कर रहे हैं बिल्कुल भी किसी को, पर यह है कि आप वज़न उस हिसाब से नहीं ले पाओगे अगर आप माइक्रोन्यूट्रेंट वगैरह नहीं डालते हो ज़्यादा से ज़्यादा, तो क्योंकि माइक्रोन्यूट्रेंट भी बहुत ज़रूरी होते हैं। जैसे कि आप एक बाल्टी में अगर छेद कर दिया जाए तो आप उसमें पानी कितना भी भर लो पर आप बाल्टी को भर नहीं सकते, क्योंकि उसमें से निकलता रहेगा। हमालिया वही है, अगर आदमी के शरीर में कैल्शियम की कमी होगी तो उसके हड्डियों में दर्द रहना ही रहना है। ऐसी गन्ने का हिसाब है या किसी भी फसल का हिसाब है, अगर मान लिया किसी पोषक तत्व की उसमें कमी हो जाती है तो आपने दिक्कत आनी ही आनी है, वजन में, प्रोडक्शन में, या कोई भी समस्या, या जो माइक्रोन्यूट्रेंट होते हैं आपके सभी, या आपके प्रतिरोधक क्षमता भी गन्ने की या किसी भी फसल की वो बढ़ाते हैं, उससे बहुत ही फर्क पड़ता है प्रोडक्शन पर। तो धन्यवाद किसान भाइयों, जय हिंद जय भारत। कोई भी आपका सवाल है या कमेंट है तो आप हमें बता सकते हैं। ये देखिए आप, हमारी गन्ना कम से कम 10 दिन में इतनी हाइट ले चुका है ये, और आप पोरी का साइज भी आपको हम कंटिन्यू दिखाते रहेंगे, कम से कम इसमें 1 फुट, ये 9 से 10 इंच की पोरी तो हम लेंगे ही कम से कम, इसमें आपको कंटिन्यू बनाते रहेंगे, देखते रहेंगे, आप बने रहें हमारे साथ। जय हिंद जय भारत।